जगदलपुर में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर परियोजना अधिकारी के खिलाफ लामबंद हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, भ्रष्टाचार की शिकायत। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर व परियोजना अधिकारी के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एकजुट हो गए हैं। भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर के कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। मामला बस्तर जिला में हो रहे महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी संचालन का, जहां जिले के सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं द्वारा गर्म भोजन दिए जाने वाले राशि तथा सुपोषित अभियान के अंतर्गत आने वाले सामग्री की राशियों में घोर भ्रष्टाचार कर राशि को गबन करने का आरोप लगाया गया है। मीडिया से बात करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि बस्तनार परियोजना अधिकारी उर्मिला खोपरागड़े एवं अर्चना सैमसन जगदलपुर शहरी क्षेत्र में तथा सुपरवाइजर सुनीता राम टेके, नीता पांडे जम्बू सेठिया, रिंकू पांडे रेखा नाग बुधरीनाग द्वारा एक ही जगह पर कई वर्षों से ड्यूटी करते समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका का शोषण कर हड़ताल अवधि का मानदेय आज तक प्रदान नहीं किया गया। वहीं ईंधन एवं स्टेशनरी के नाम पर निकाले जाने वाले फ्लैगशिप फंड की राशि को भी हेराफेरी कर गबन किया गया है। आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता सहायता संघ बस्तर के संरक्षक विपिन तिवारी ने कहा कि अभी कलेक्टर को कार्यवाही करने हेतु ज्ञापन दिया जा रहा है, अगर न्याय नहीं मिला तो आने वाले समय में सभी कार्यकर्ता व सहायिकाओं द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। आप बताइए सर, जो कार्यकर्ता है सोमड़ी करके, वो ना बास्तानार ब्लॉक की है सर, सेक्टर छोटे किलेपाल है, उसका ना चार पाँच माह हो ही गया है सर, मानदेय उसका जमा ही नहीं कर रहे हैं, और ना बोलते हैं कि उसका क्या बोले, दूर दराज भी है सर, बहुत दूर से आते हैं, एक तो छोड़ने वाले भी होना चाहिए तब तो आ पाएगी, एक ना सेक्टर में भी नहीं लेते हैं हमारा मीटिंग, परियोजना में यहीं पे आओ यहीं पे लेंगे हर चीज जानकारी यहीं पे दो बोल के बोलते हैं, उतना दूर से हम कैसा करके आएंगे सर, ये भी तो होना है कि हमारे पास सुविधा नहीं है, गाड़ी नहीं घोड़ा नहीं, दूर दराज से, एक तो पहाड़ी इलाका भी है, कैसा करके आएंगे। आपका परिचय? मेरा नाम श्रीमती अंजना यादव है, बास्तानार ब्लॉक की ब्लॉक अध्यक्ष। आप अध्यक्ष हैं बास्तानार ब्लॉक की, तो आपने इनकी परेशानी के लिए ऊपर किससे बात किया? जी मैं CDPO मैडम से भी मैं फोन करके बोली, और एक दिन मैं जाके बोली भी, तो ना बोलते हैं कि मीटिंग में नहीं आती है करके बोलते हैं। श्रीमती वंदना दास जिला उपाध्यक्ष, और आज हम अपने कलेक्टर महोदय जी के पास हमारी प्रांत अध्यक्ष जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष है रुक्मणी सज्जन, उसका समस्या लेके आए थे, जो आज एक साल होने जा रहा है उसको परियोजना अधिकारी खोपरागड़े मैडम अपनी निजी दुश्मनी के चलते उनको बर्खास्त कर दी है, और अभी तक कोई उसको बहाली करने का निर्णय नहीं लिया गया है, और अभी तक मतलब वहाँ पे बिना पूछे बिना सोचे और वहाँ पे नियुक्ति भी करा दी है, और आचार संहिता में ही हमारी प्रांत अध्यक्ष को बर्खास्त किया, और आचार संहिता जब लगा था तब ही वहाँ पे नया नियुक्ति किया गया है, उसके लिए आज हम अपने कलेक्टर साहब के पास आए थे हमारा समस्या को लेके, और वहाँ की जो खोपरागड़े मैडम है उर्मिला खोपरागड़े, वो बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित कर रही है कार्यकर्ताओं को, और किसी का मानदेय नहीं निकाल रही है, समूह खुद चलाती है, समूह वाले को चलाने नहीं देती है, खुद समूह चलाती है, और कार्यकर्ता लोगों का मानदेय नहीं निकालती है जी। सोशल मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, जिनको लेके आप लोग शिकायतें करने आए थे कलेक्टर साहब, वो पूरा सही है सर, सही बात है, रुक्मणी के ऊपर बहुत प्रताड़ित कर रहा है, जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष हमारे लिए लड़ती है, हमारे लिए आगे जाके लड़ती है, हमारा आज अभी तक छत्तीसगढ़ से हम लड़ रहे थे, अभी तक हमारा मानदेय एक पैसा बढ़ा ना कुछ, जब से हमारी प्रांत अध्यक्ष रुक्मणी सज्जन आई तब हमारा 10,000 रुपया हुआ, और कुछ ना कुछ समस्या होता है वो सुलझाती है, वो हमारे लिए हमारी भगवान है, और हमारे लिए वो सब कुछ है, हमारे लिए आगे आके लड़ती है, जब तक वो वापस नहीं आएगी, अगर रुक्मणी सज्जन को वापस नहीं लाया गया तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठेंगे। किस प्रकार का आरोप लगा हुआ है उनके ऊपर? उनके ऊपर आरोप नहीं लगा है, कुछ नहीं, ऐसी बिना आरोप के उनको निकाला गया, पूरी सच्चाई है सर, ये सब सही है और सच है, सब हो रहा है, ये सब किस प्रकार का गबन हो रहा है? जैसे कि गर्म भोजन में जैसे कि समूह वाले के नाम से खुद सुपरवाइजर गर्म भोजन चलाती है, और कार्यकर्ताओं को समूह वाले को पैसा मांगा जाता है 5,000 2,000 जिसके पास ज्यादा संख्या है उनको 2,000 3,000 4,000 ऐसे
पैसा मांगा जाता है समूह वाले को। जी, आज छत्तीसगढ़ महिला आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं पर हो रहे अत्याचार के विषय में कलेक्टर को संगठन द्वारा अपना ज्ञापन सौंपा गया है, पत्र लिखा गया। इसमें इस पत्र के माध्यम से जो आंगनबाड़ी परियोजना अधिकारी है और सुपरवाइजर हैं, उनके द्वारा किए जा रहे घोर अनियमितता और भ्रष्टाचार और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के ऊपर किए जा रहे शोषण को व्यक्त किया गया है, जिसमें कुछ सुपरवाइजर हैं और दो परियोजना अधिकारी हैं, इनके नामजद इनको शिकायत किया गया है कलेक्टर के समक्ष, और कॉपी जिला कार्यक्रम अधिकारी, क्षेत्रीय विधायक और जिला पंचायत सीओ और जनपद जो संबंधित जनपद के सीओ हैं उनको दिया गया है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रुक्मणी सज्जन जी को दुर्वाहना से और उनके जो परियोजना अधिकारी है उनके विरुद्ध हो रहे उनका विरोध करने के चक्कर में कूटनीतिक रूप से कार्य से पृथक किया गया, कार्य से निकाल दिया गया है। आज भी उनका प्रकरण लगभग 1.5 साल हो गया चलते आ रहा है और कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। कागजी मामलों में प्रकरण को जबरदस्ती उलझाया जा रहा है, उनकी आज तक बहाली नहीं हुई है। संगठन ये चाहता है कि उनकी बहाली हो और जितने भी जो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और सहायिका हैं उनके ऊपर जो शोषण हो रहा है, उनके जो गर्म भोजन के जो मद है, मद से जो पैसा आता है, पैसा उनको भुगतान नहीं किया जा रहा है, फ्लेक्सी फंड के पैसे को परियोजना अधिकारी और सहायक सुपरवाइजर द्वारा गबन कर दिया गया है, घोर भ्रष्टाचार फैला हुआ है आंगनबाड़ी महिला एवं बाल विकास विभाग में। इस पर सीधा सीधा रोक लगाना चाहिए और कलेक्टर महोदय को चाहिए कि इस पर संज्ञान लें और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर एवं दंडात्मक कार्रवाई करें। समय पर अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर किस प्रकार का रूप देखने को मिल सकता है? हमने मांग किया है कि हमारे जो सुपरवाइजर जो 10-10 साल से एक ही जगह पदस्थ है, एक ही सेक्टर में है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अगर वो दोषी पाया जाता है तो उनको वहां से हटाया जाए या उनके ऊपर जो अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्रवाई करें। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आगामी समय में हमारे संगठन के द्वारा समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।